हम लीड करते हैं और अभी हमारी मुसलफा साहिबा की किताब की तकरीबन रोनुमाई बाविया की किताब की तकरीबन रोनुमाई होना चाहती है। मैं एक अहम अनाउंसमेंट ये करना चाह रही हूँ कि डॉक्टर फोकिया सिंह साहिबा ने जो मेरे जिम्मे जिम्मेदारी लगाई है वो ये कि जो भी किताब तलब करना चाहे वो मेरे पास मौजूद है, आप उसे प्राइस देकर और मुसनफा की हौसला अफजाई के लिए मुझसे परचेज कर सकते हैं और ये इससे बेहतर कोई तोहफा भी नहीं हो सकता। आप अगर चाहें तो अपने दोस्तों को भी तोहफा देने के लिए ये किताब यहाँ से लेकर जाएंगे क्योंकि किताब बेहतरीन दोस्त है, किताब बेहतरीन तोहफा है, किताब बेहतरीन साथी है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सबका हमारी इस सेरेमनी में आने का, शिरकत करने का। और मैं बहुत मुबारक के साथ कहूँगी कि ये नई किताब जो है ये एक और क्रिएटिविटी का नमूना है नूर की तरफ से। मैंने डेडिकेट की थी पंजाबी की पहली शायरा जो कोई 150 साल पुरानी या 2-3 सदियां पुरानी खातून, उसका नाम था पीरो प्रेमा। जो अभी आप देख रहे हैं उसका नाम मुश्क है, जो 2018 में आई और वो मैंने डेडिकेट की कश्मीरी जबान की पहली शायरा लल्लेश्वरी के नाम। और अभी मतलब वो भी पहली शायरा थी कश्मीरी जबान की, लेकिन उस पर बहुत सारे लोगों ने अभी आके कुछ मुसलमानों ने मिलके उसको लल्ला अरफा का नाम दे दिया है क्योंकि कश्मीर में बहुत सारे इस तरह के मजहबी लोग रहते हैं और वो शायरी भी उसकी बहुत शानदार थी, उसके वो एक मुसबरा भी थी। तो उस पर अभी काफ़ी लोग डिबेट पे हैं कि उसको उसका असल नाम क्या था, लेकिन जो उसका ड्यूरेशन है वो वही वाला है पुराना जहाँ पे हिंदुज़म ज़्यादा था, तो उसकी वजह से उसका नाम लल्लेश्वरी है। अभी मेरी तीसरी किताब है जो है इसको मैंने सिंधी जबान की पहली शायरा मरखा शेखन के नाम की है, डेडिकेट की है और वो भी तकरीबन कोई 150 सदी पुरानी है इसी तरह। और मेरी कोशिश ये है कि जैसे कि ये दो मेरे पास इतनी बड़ी इंस्पिरेशन हैं, मुझे ये लगता था पहले भी और आज भी कि हम अपनी ख्वातीन को कहीं गुम कर देते हैं, उन ख्वातीन को जिन्होंने वाकई में अपनी जिंदगियों की और अपनी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी विशेष की कुर्बानियां दी हुई हैं बहुत पहले। आज भी ऐसा ही है लेकिन हम उनको उस तरह अप्रिशिएट नहीं करते, उनको उस तरह सामने नहीं लेकर आते। लेकिन आज हमारे पास डिजिटल का दौर है, डिजिटल के ज़रिए हम हर उस औरत को, हर उस लड़की को, हर उस बच्ची को आगे लेकर आए जिसकी अपनी कोई भी पॉजिटिव विश है, जिसको लगता है कि इस विश के ज़रिए या इस लिखत के ज़रिए, इस वीडियो बनाने के ज़रिए या इस लफ्ज़ों के ज़रिए या किसी भी तहरीक के ज़रिए वो इस दुनिया को, इस आने वाली नस्ल को कुछ दे सकती है। तो मेरी भी यही विश है, थी और रहेगी कि मैं अपनी कलम के ज़रिए और अपनी पॉजिटिव सोच के ज़रिए कोई अच्छी चीज़ दे कर जाऊँ। तो दूजी का नाम सतवंत कौर, अलीना क्रिश्चन सी ते सतवंत कौर सिख मजहब नाल तलक रखती थी। इन्हां तिन्हां दे कमरे वखो वख सन पर सलूक चंगा चोखा सी। कृष्णा दे कमरे विच एक मुस्लिम कुड़ी आयशा भी आ गई ते ओह सोचन लग पई कि हुण गुजारा किवें होवेगा। पर आयशा नूं वार्डन ने पहला ही आख दिता सी कि हॉस्टल विच होर कोई जगह नहीं है ते ओनू एक हिंदू कुड़ी नाल रहना पवेगा। ओह सारियां समझ आ रही है जी, ओह सारियां सोचदियां रहियां कि आयशा इत्थे ला पढ़न आई है या दूजियां कुड़ियां वांग कुछ होर सिखण। आयशा दा तारफ होंदिया होंदिया इन्हां तिन्हां ने पूरा एक महीना ला लिया। हुण ओह चार हो गईयां सन ते बाहर खाण पीन जाना होवे या वड्डे गार्डन विच सैर सपाटे लई चारे रल के जांदियां। आयशा दी मां प्रोफेसर सी ते प्यो नेवी विच उच्चे अहुदे ते काम करदा सी। इको भरा सी ते ओह वी सिविल जज दा इम्तिहान पास करके प्रैक्टिस कर रहा सी
ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ। और आई एम श्योर कि इन सबको स्टोरीज पढ़ पढ़ के मजा आएगा जो आपकी किताब लेंगे। इसमें कितनी उर्दू की है और कितनी पंजाबी की? ये सारी पंजाबी की हैं और इनको पढ़ना बहुत आसान है। जहाँ भी आपको लगे कि ऐसा लगा कि वाकई ये माँ बोली मीठी बोली है, वरना सिर्फ बातें सुनी थी, लेकिन आज मुझे फील हुआ है कि वाकई बहुत मीठी जुबान है। अगर कोई मीठा बोलने वाला हो तो आप भी बोल सकते हैं। स्टीरियोटाइप में चली गई ना पंजाबी को, स्टीरियोटाइप बना दिया, गालियां ये वो मजाक। आप भी कर सकती हैं, आप भी बोल सकती हैं, आप बोलें तो आप भी बोल सकती हैं, कोई मुश्किल बात नहीं। अच्छा जी, ये आपा हमेशा मेरे लिए कुछ ऐसा लाती हैं। आप गले नहीं मिल सकती आपको। हमें पता है कि हमारी फीलिंग्स क्या है। अब जिन्होंने साइन करानी है वो आते जाए। हाँ बिल्कुल, मैं इसको जरा साइन से डाल देती हूँ। आप कौन कह रहा है नाना? जी, क्या सबसे पहली दो किताबें खरीद की हैं मलिहा आपा साहिबा ने, और हमें कहानी सुनाई है। ये वाकई आपने सारे रिश्तों के और सारे दिलों के